Some read judul bagi kelas bahasa Arab itu kelas, some read judul cinta. Bagaimana? Next. 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 मैट्रिक पास है 46 से शुरू करते हैं सर, फर्स्ट क्लास नमाज के लिए हम आधा घंटे के बाद 40 मिनट जब से फिर 6:40 के बाद हम क्लास शुरू करते हैं 7:40 तक, फिर उसके बाद 8:30 तक सेकंड शिफ्ट होती है, फिर 8:30 बजे हम डिनर देते हैं, फिर रात को थोड़ा सा फिर सेल्फ स्टडी कराते हैं, 11 बजे सुला देते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फेरोज आज पश्चिम स्कूल पे इन्होंने दौरा किया है, तो सर क्या आपने यहाँ पे क्या ख़ास बात यहाँ पे आपने देखा और स्कूल में क्या क्या कमियाँ आपको देखने को मिला और क्या करने की ज़रूरत है मज़ीद हॉस्टल सिस्टम को बेहतर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आगा साहब, आप ख़ुद अंदर जाके यहाँ स्कूल के अंदर में आपने भी विज़िट किया है और टीचर से भी इंटरेक्ट किया है, बच्चों से भी इंटरेक्ट किया है, जो ऑब्ज़र्वेशन आपने नोट किया होगा वो आपने किया होगा। इस इनिशिएटिव के लिए सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सीसी साहब, हमारे डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं उनको जाता है, और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साकिर साहब जो हैं उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, और साथ में ही हमारे सीओ साहब जो हैं और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स, इन एंटायर जो हमारे जो सेटअप हैं यहाँ का, उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, और साथ में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो डीसी साहब है वो भी इस चीज़ के अंदर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये इनिशिएटिव लिया गया है आने वाले हमारे जो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर में, ताकि बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सकें, क्योंकि ये पहली बार ये सीबीएसई का जो सिलेबस जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में, तो उसके अंदर में जो एक्सपीरियंस हमारे जो टीचर्स का रहा है इस पूरे साल के अंदर में पढ़ाने का, अगर उसके अंदर में कहीं पे कोई कमी रही हो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए और बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, इसलिए इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने लिया है। अब पर्टिकुलरली अगर इस इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें, आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हो या बच्चियां हो सारे फुल अटेंडेंस में थे यहाँ पे, और जितने भी टीचर जो नाइट शिफ्ट के लिए होता है यहाँ पे वो सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद था, और साथ में ही आपको ये बता दूँ कि डे और नाइट दोनों शिफ्ट चलता है यहाँ पे, दिन को भी पढ़ाई होती है और रात को भी पढ़ाई होती है, और यहाँ पर रेजिडेंशियल जो एकोमोडेशन जो यहाँ पे बनाया गया है वो इसलिए कि कॉन्स्टेंटली बच्चों को मॉनिटर कर सके, उनका एजुकेशन का जो तैयारी है, जो एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर कर सके। मैंने यही ऑब्ज़र्व किया इस स्कूल के अंदर में आज के दिन में, कि टीचर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर में बच्चे कंफर्टेबली बैठ के पढ़ सकें, उनके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस ना आए एडिशनल। एक तो अब देख लीजिए एग्जामिनेशन स्ट्रेस तो होता ही है बच्चों के ऊपर, उस स्ट्रेस को भी किस तरीके से हैंडल करना है, उससे भी बाहर रखकर बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सारा क्रेडिट हमारे जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उनको जाता है। और मैंने पर्टिकुलरली सारे बच्चों से भी पूछा कि आप लोगों का तैयारी कैसे हो रहा है, आप लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इनका खाने पीने का जो है और पर्टिकुलरली सर्दी में जो गर्मी का जो इंतज़ाम किया जाता है उस चीज़ के लिए, तो वो सारा जो बच्चों से ही इनपुट्स लिया, तो उनके हिसाब से बेहतरीन यहाँ पे अरेंजमेंट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, और इसका क्रेडिट जो है जो मैंने पर्टिकुलरली खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया था उसके अंदर में ऑनरेबल ईसी एजुकेशन जाकिर साहब और सीओ साहब का बहुत इनपुट्स रहा है इसके अंदर में, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, और जो पर्टिकुलरली करगिल के अंदर में, लेह में हमने सुना था कि इस तरह से प्रोग्राम चलेगा करके, लेकिन करगिल के अंदर में जो आप बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर में जैसे कि द्रास हो या सुरु इलाका हो उनमें बहुत ठंड होती है, डिस्पाइट दैट उन्होंने जो अरेंजमेंट किया हुआ है ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, और कल अगर ये हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस लेके देता है तो ये क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाना चाहिए। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी अभी बच्चों को हैं, जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पर्टिकुलरली इनका यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई बेहतरीन फैसिलिटी नहीं जिससे बच्चे अपने लिए
किस तरीके से आने वाले दिनों में और जो पिछले कुछ दिन गुजर गए हैं उसके अंदर में सफाई का ख्याल कैसे रखें, नहाने धोने के लिए जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे कमज़ोर है, तो उस चीज़ को भी हमने टीचर्स के साथ डिस्कस किया, बच्चों के साथ डिस्कस किया, हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से उन उस चीज़ का कैसे उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करके। उसमें हमारी राय ये भी थी कि पेरेंट्स को भी इधर बुलाएं, उनसे भी डिस्कस करें और उनके लिए एक टाइम और शेड्यूल बना के उनको सफाई के लिए बाहर कितने टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए उनको बाहर कर सकते हैं, तो वो सारा हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉर्ट आउट किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक पहली बार एक एक्सपेरिमेंट हो रही है, तो यकीनन उसके अंदर में बहुत सारे हमारे यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हैंडल करते हुए जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से इन चीज़ों को चला रहे हैं, तो उनको मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा। और आने वाला अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 20-25 दिन बचे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उस कुछ ही दिनों के जो 2 या 3 हफ्ते का जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर में हमारे टीचर्स ने ये कमिटमेंट दिया है कि हम पूरी तरह फुली कमिटेड इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए और इनका जो फ्यूचर है जो है उसको बेहतर तरीके से इंश्योर किया जा सके। सर, आप भाई सत्य एग्जीक्यूटिव काउंसलर हिल काउंसिल के हैं, तो आपने क्योंकि ज़ीरो ग्राउंड पे आपने देखा है क्या परेशानियाँ हैं, क्या मुश्किलें थी, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के लिए स्कूलों में, जैसे आपने ही कहा कि यहाँ पे वाशरूम और बाथरूम की जो मुश्किलें थी सर्दियों के आयाम के लिए, तो ये फैसिलिटीज़ रखने के लिए हिल काउंसिल किस किस्म के तआवुन करेंगे और क्या कोशिशें करेंगे? यकीन है पहले तो ये देखने के बाद है कि इस साल का जो हमारा एफर्ट है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो कितना कामयाब रहता है और इसके अंदर में जो जो कमज़ोरियां हैं हम हर चीज़ को नोट कर रहे हैं और फिर अल्टीमेटली बैठ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के साथ बैठ के अगर हमें नेक्स्ट ईयर भी इस टाइप का कोई इनिशिएटिव लेना पड़े तो फिर इन सारे इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करेंगे उसके लिए हम बहुत पहले से ही तैयारी करेंगे। ज़िला करील के बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूलों में या हाई स्कूलों में अभी भी वालिदैन तआवुन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल चलाने के लिए, जी तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उन पेरेंट्स से मेरा यही एक वो रिक्वेस्ट भी रहेगा, मेरा सजेशन भी रहेगा कि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट जो अभी हम कर रहे हैं अगर ये कामयाब रहता है तो यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट ईयर का जो सेशन अगर चलना होता है तो उसमें तो मुझे लगता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अभी अब आपके पास टाइम ही कितना बचा हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, कुछ ही हफ्ते बचा हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए, तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को और इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स को है या काउंसिल को फुल सपोर्ट करें और अपने बच्चों को इस इनिशिएटिव से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कैसा एक्सपीरियंस रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ लद्दाख का टीम मेंबर्स के मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आप लोगों ने आज के इस सर्द मौसम में हमारे स्कूल यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे सूरत हाल जानने की कोशिश की। सर देखिए, जो ये यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे पास ऑर्डर आया कि विंटर क्लास को लेके, तो हम इसको एक बेटर इनिशिएटिव समझते हैं सर कि हमारे जो 10th और जो 12th क्लास के बच्चे इस बार हमारे पास फर्स्ट टाइम CBSE एग्ज़ाम बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव रहा सर और हमारे पास ये पहली बार जो बेटर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस बार हम हासिल करने जा रहे हैं, तो पहली फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब जाके कुछ टाइम से हमारे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हमारे EC सर, जो डायरेक्टर सर है और UT एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी आमले हैं, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिए, तो हमारे जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं इन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत ही मेहनत करके बच्चों के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर। यहाँ पे हमारे पास टीचर हमारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मान के चलो हमारे पास 10th to 12th की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हमारे सब अवेलेबल है सर, 10th में भी हमारे पास बराबर हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है सर। बच्चों को हीटिंग सिस्टम और बाकी सहूलियात कैसा रहे?
जी सर, हमारे पास जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ का सब यहाँ पे हमारे पास विंटर फ्रेंडली हमारे क्लासरूम तैयार किए हैं सर, जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे हायर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारे इसी सर एजुकेशन जाकिर सर का बहुत ही हम मशकूर ममनून हैं, जिन्होंने काफ़ी फौरी तौर पर यहाँ पर विद इन 5-6 दिनों में हमारे यहाँ पर विंटर फ्रेंडली क्लासरूम तैयार किए हैं सर, तो हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। साथ ही साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स के, जिन्होंने अपने विंटर वैकेशन को कुर्बान करके बच्चों के फ्यूचर को देखकर यहां पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर। स्कूल पश्चिम में यहां पे स्कूल में हॉस्टल का भी इंतज़ाम रखा गया है, तो ये पहली तजुर्बा होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब लद्दाख का कि आप यहाँ पर आए कवरेज करने के लिए हमारे बच्चों के। आप जैसे कि देख रहे हो, आपने खुद विज़िट किया HHS पश्चिम के अंदर जो है, और ये एक चैलेंज है सर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है और ऐसा चल रहा है। रेजिडेंशियल स्कूल का हमारा जो सिस्टम है वो पहली मरतबा हो रहा है, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंज है। और सबसे पहले कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बच्चे लगभग हमारे स्कूल के अंदर 15 दिन हो गए, आज 15 दिन से हैं स्कूलों के अंदर। काफ़ी जो है फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली जो हमारे इसी सर हैं, हमारे ऑनरेबल CO सर हैं और हमारे ADC सर कई बार यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने जायज़ा लिया है, और हर काम जो भी उनसे हो सकता था सर, वो बच्चों के लिए, टीचरों के लिए हर चीज़ जो है वो उन्होंने दे दी है। और इंशाल्लाह, और टीचर भी लगे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों के लिए भी जो है काफ़ी जो है ये एक फ़ायदामंद है, क्योंकि बच्चे हर वक्त जो है इसी किताबों के साथ और अपने जो है इसी इल्म के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर, मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, हमारे यहाँ पर इब्राहिम खान सर बहुत अच्छे से पढ़ाते, और हमारे प्रिंसिपल सर जो ये सब अरेंज करते थे सर, उनसे बहुत, मैं प्रीवियस ईयर जो स्कूल में था, अलग अलग मैं स्कूल में पहुँचा हूँ सर, कोई भी प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल जैसे नहीं था सर, बहुत ही अच्छे एक प्रिंसिपल है, उन्होंने एक अच्छे अरेंजमेंट के साथ, एक अच्छे प्लानिंग के साथ हमें पढ़ने का जो मौका किया है, और अवेल प्लान के साथ हमें पढ़ाते हैं सर, रिविजन भी कराते हैं सर। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।